पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को संकट में डालकर कांग्रेस ने जो ओछी हरकत की है उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले देश की जनता को उसे बताना होगा कि आखिर इस नीचता भरे तमाशे के पीछे उसकी मंशा क्या थी। कहीं सच में वो किसी चुनावी फायदे के लिए कोई अहित तो नहीं करना चाहती थी। भले ही इसकी कीमत देश को हिंसा की आग में झोंक कर क्यों ना चुकानी पड़ती, लेकिन अब केंद्र सरकार भी कांग्रेस की गंदी मानसिकता को अच्छे से समझ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक विशेष टीम सुरक्षा में चूक के मामले की जांच के लिए शुक्रवार को दिल्ली से फिरोजपुर पहुंच गई। टीम उस जगह पर पहुंच गई जहां पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका था। यही नहीं, इसी जगह पर टीम ने फिरोजपुर एसएसपी और डीआईजी को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। साथ ही गृह मंत्रालय की टीम ने पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे बीएसएफ कैंप में पूछताछ की जाएगी। मामला बिगड़ता देख पंजाब सरकार ने भी आनन फानन में इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और कोर्ट ने राज्य और केंद्र से इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाने की सलाह भी दी है। जबकि एक और बड़े कदम के तहत अब जांच में एनआईए भी शामिल होने जा रही है। गृह मंत्रालय के इस बड़े एक्शन के बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार में बौखलाहट लाजमी है। आखिरकार उन्हें बताना ही होगा कि जब देश के पीएम राज्य के दौरे पर थे तो उनकी सुरक्षा का अहम जिम्मा छोड़कर राज्य पुलिस चाय की चुस्कियां कैसे ले रही थी। कहीं सभी मिले हुए हैं वाले मोड में जाकर पुलिस के आला अधिकारियों को ऊपर से कोई आदेश तो नहीं था। ये बात इसलिए भी उठ रही है कि आखिर फौरी तौर पर बदले गए प्रधानमंत्री के रूट के बारे में प्रदर्शनकारियों को इतनी जल्दी जानकारी कैसे मिल गई। कई वायरल हुए वीडियो तो यहां तक इशारा कर रहे हैं कि पीएम मोदी के जाने वाले रूट पर भीड़ को लाउडस्पीकर से अरदास देकर इकट्ठा ले होने के लिए कहा गया था। यहां तक कि भीड़ में शामिल कई लोग पुलिस को ये भी चेतावनी दे रहे थे कि हमको रोका तो अंजाम बुरा होगा। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुने गए और भारत के इतिहास के सबसे बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री के साथ जो साजिश का ताना बाना बुना गया वो यकीनन इस ओर इशारा कर रहा है कि साजिश की जड़ें बहुत गहरी हो सकती हैं और लंबे समय से इसकी प्लानिंग भी हो रही होगी। इसका एक नमूना तब देखने को मिला जब कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने इस पूरे मसले को दलित सीएम की असीमता की तरफ मोड़ने की कोशिश की। मतलब ये साफ है कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो भाजपा बदनाम दलितों का बिगुल फूंक कर उसका बचाव किया जाएगा। हालांकि फिलहाल तो कांग्रेस खुद अपने फंदे में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देश के सभी हिस्सों में पीएम मोदी के समर्थन में जो आवाजें उठ रही हैं वो निश्चित ही चन्नी से लेकर 10 जनपद तक के कानों में बुरी तरह गूंज रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।